हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल आज हम बनाने वाले हैं कच्चे चावल का एकदम क्रिस्पी और टेस्टी नाश्ता इसे आप शाम की चाय के साथ बनाकर सर्व कर सकते हैं बहुत ही आसान रेसिपी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी इसे बनाने के लिए क्या करेंगे कि आधा कप चावल को आधे घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखेंगे तो यहाँ पर चावल अच्छे से फूल गए हैं तो इसका पानी छान लेंगे और इसके बाद हम इसे एक जार में ट्रांसफ़र करेंगे आप अगर ज़्यादा क्वान्टिटी में बनाना चाहते हैं तो चावल की क्वान्टिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं इसके बाद हम इसमें दो से तीन हरी मिर्च ऐड करेंगे इसके साथ ही एक इंच अदरक का टुकड़ा ऐड करेंगे एक चौथाई चम्मच के करीब हम इसमें जीरा ऐड कर देंगे और उसके बाद हम इसे पीस कर इसका बारीक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे तो यहाँ पर हमारा पेस्ट एकदम तैयार है अगर आपको इसे पीसने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही तो आप इसमें एक से दो चम्मच पानी भी ऐड कर सकते हैं अब हम क्या करेंगे कि जो हमने पेस्ट तैयार किया है उसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे अब इसके बाद हम इसमें बाकी की सारी चीज़ें भी ऐड कर लेंगे तो सबसे पहले इसमें हम एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे इसके साथ ही यहाँ पर मैंने दो आलू लिए हैं और इन्हें अच्छे से कद्दूकस कर लिया है तो यहाँ पर मैंने इसे पतले वाले ग्रेटर से कद्दूकस किया है तो इसे भी ऐड कर देंगे इसके बाद इसमें छः से आठ बारीक कटे हुए करी पत्ते ऐड करेंगे दो से तीन चम्मच बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते ऐड करेंगे एक चौथाई चम्मच के करीब हम इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं एक चौथाई चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे आधा चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे एक चुटकी हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और इसके बाद इसमें दो से तीन चम्मच बेसन ऐड करेंगे अब क्या करेंगे इसमें आधा चम्मच के करीब नमक ऐड कर देंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब यहाँ पर आप चाहें तो इसमें बेसन की जगह गेहूं का आटा मैदा कॉर्नफ्लोर या फिर चावल का आटा जो भी आपके पास हो उसे ऐड कर सकते हैं तो ऐसे सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर हमारा जो मिश्रण है वो पूरी तरीके से एकदम तैयार है अब हम क्या करेंगे कि इसके वड़े बनाकर रेडी कर लेंगे तो बड़े बनाने के लिए हम हाथ को पहले तेल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे उसके बाद एक चम्मच के बराबर मिश्रण जो है हाथ पे लेंगे और उसे अच्छे से रोल करते हुए थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे जो वड़े हैं वो बनकर एकदम रेडी हैं अब हमें गर्म तेल में फ्राई करेंगे फ्राई करने के लिए हम कढ़ाई को मीडियम फ्लेम पर गर्म करेंगे और जैसे ही तेल जो है अच्छा सा गर्म हो जाएगा तो हम गैस की फ्लेम को धीमा कर देंगे और इसमें एक एक करके सारे बड़े ऐड कर देंगे अब वड़े ऐड करते समय एक बात का ध्यान रखेंगे कि एक बार में उतने ही बड़े ऐड करेंगे जितने की आसानी से कढ़ाई में आ जाए और इन्हें कढ़ाई में डालने के साथ ही नहीं चलाएंगे जब ये थोड़ा सा सेट हो जाएंगे यानी कि जब इनकी ऊपरी परत थोड़ा सा हार्ड हो जाएगी तब हम इन्हें ऐसे कलछी से चलाते हुए अच्छे से फ्राई करेंगे तो बड़ों को पहले हम तीन से चार मिनट तक मीडियम से लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे जिससे कि बड़े जो है अंदर तक अच्छे से पक जाए और उसके बाद गैस की फ्लेम को हाई करके अच्छा सा कलर आने तक पका लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग दो से तीन मिनट हो चुके हैं और बड़े जो है अच्छे से फूल गए हैं और इनका कलर भी चेंज होने लगा है तो अब हम गैस की फ्लेम को हाई करके गोल्डन ब्राउन कलर आने तक तल लेंगे और यहाँ पर बड़े जो है अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं तो अब हम इन्हें तेल से छान कर निकाल लेंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पर हमारे चावल के वड़े बनकर एकदम तैयार हैं आप इन्हें टोमेटो सॉस ग्रीन चटनी या फिर चाय के साथ सर्व कर सकते हैं तो आप बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसे लगे